ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर, ठीक है ना, कि विमेन का क्या रोल था फ्रांस की सोसाइटी में, ठीक है ना, विमेन की क्या क्या डिमांड्स थी गवर्नमेंट से, वो डिमांड्स फुलफिल हो पाई कि नहीं हो पाई, अगर हो पाई तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाई तो गवर्नमेंट ने विमेन के वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्शन लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है पोजिशन ऑफ विमेन इन फ्रेंच सोसाइटी। तो हमने कहा यार फ्रांस सोसाइटी में विमेन हमेशा से काम करती, मतलब ऐसा कभी भी नहीं था जैसे इंडियन सोसाइटी में था ना कि विमेन का वर्किंग या अर्निंग लिविंग बाद में स्टार्ट हो, नहीं, फ्रेंच सोसाइटी में वुमेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी वो पैसा कमाती थी, क्योंकि उनके पैसा कमाना मजबूरी थी, ठीक है ना। हालांकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी, उनकी बहुत ज्यादा जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, पर वो काम करती थी। पढ़ाई किसकी होती थी, जो अमीर लोग थे ना, जो डॉटर्स या डॉटर इन लॉज होती थी रिच फैमिलीज की, नोबल्स की, उनको एजुकेशन पे एक्सेस था, वो एक कॉन्वेंट पे पढ़ सकती थी, ठीक है ना। तो विमेन के पास क्या परेशानी थी कि उनको दो काम करने पड़ते थे थर्ड एस्टेट की, पहला तो उनको काम भी करना है क्योंकि पैसे तो कमाने ही, प्लस फैमिली का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। परेशानी क्या थी कि उनकी जो वेजेस थी, उनको जो पैसा दिया जाता था वो क्या था, उनके मेल काउंटर पार्ट से क्या होता था, वो पैसा कम होता था, ठीक है ना। तो विमेन जो चाहती थी, वो चाहती थी कि उनको भी क्या मिले, उतनी ही इक्वालिटी मिले जितनी किसको मिलती है, मेन को मिलती है, ठीक है। इसलिए विमेन ने क्या करे, पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट करे, ठीक है ना। उन्होंने बोला नहीं यार, विमेन को भी उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितने मेन को मिलते हैं। तो इनके पॉलिटिकल क्लब्स क्या करते थे, ये सारे विमेन से एसोसिएटेड सारी की सारी चीजें डिस्कस करते थे। राइट टू वोट डिमांड किया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने बोला राइट टू वोट तो ठीक है अपनी जगह, बट हमको असेंबली में इलेक्ट होने का भी राइट मिलना चाहिए, मतलब हम इलेक्शन में खड़े भी हो सके, ठीक है ना, टू होल्ड पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, मतलब अगर हम इलेक्शन जीते तो हमको अच्छी पोस्ट भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही एक बहुत अच्छा ग्रुप था विमेन का, पॉलिटिकल क्लब था, जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, जो अपने आप में बड़ा फेमस क्लब था, ठीक है। अब ऐसा नहीं था गवर्नमेंट ने विमेन के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया था, गवर्नमेंट ने विमेन वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करे थे, जैसे कि क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स फॉर विमेन, मतलब कि विमेन को एजुकेशन चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेगी उनके लिए और विमेन क्या कर सकती है, एजुकेशन वहां पर अटेन कर सकती है। एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, बोला कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको एजुकेशन ना मिले, ठीक है। दे कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज अगेन देयर विल, ये विल यानी कि उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड इन द सिविल लॉ, तो मैरिज का भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गया फ्रांस में कि अगर आप इस बंदे से शादी कर रहे हो या आप इस बंदी से शादी कर रहे हो तो लड़के की ये ड्यूटीज है, लड़की की ये ड्यूटीज है, लड़के ने अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल करी तो लड़की उस पे केस कर सकती है, और लड़की ने नहीं करी तो लड़का भी, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो सिविल लॉ के अंदर क्या होने लग गया, रजिस्टर होने लग गया। इसके अलावा डाइवोर्स क्या हो गया, लीगल हो गया। पहले डाइवोर्स के लिए सिर्फ कौन अप्लाई कर सकते थे, मैन, अब कौन अप्लाई कर सकता था, दोनों वुमेन और मैन, और वुमेन कुड आल्सो ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकेम बिजनेसमैन या फिर। तो वुमेन के पास क्या थी कि अब बहुत सारे राइट्स बढ़ गए थे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, जॉब ट्रेनिंग लेनी है तो आप वो तो अपनी जगह पर कर ही सकते हो, प्लस साथ में क्या कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीजें करी वुमेन के लिए, बहुत सारी चीजें करी जिससे वुमेन का क्या हो पाए, वेलफेयर हो पाए। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने क्या करा, वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया। इनको फाइनली राइट टू वोट का मिला 1946, हमारी आजादी के एक साल पहले, पहले हम 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लेव ट्रेड, दैट इज योर फिफ्थ यूनिट, ठीक है ना। तो यूरोपियन मार्केट में बेटा प्लांटेशंस जो थी वो बहुत पैसा कमा रही थी, क्या क्या उगा के, टबैको, शुगर, कॉफी और इंडिगो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था, टबैको, शुगर, कॉफी और इंडिगो उगाने के लिए आपको बहुत स्किल्ड और बहुत सारा ह्यूमन लेबर चाहिए रहता है, और ह्यूमन लेबर की बहुत शॉर्टेज थी कहाँ पर, पूरे यूरोप में, ठीक है ना। तो इनको कहीं ना कहीं से क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था। अच्छा, लेबर शॉर्टेज थी तो फिर महंगा भी पड़ता था, यानी कि इनको लेबर कैसे चाहिए था, लेबर तो अपनी जगह चाहिए था प्लस सस्ता भी चाहिए था।
इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग गरीब देशों से जैसे कि अफ्रीका और बहुत सारे एशियन कंट्री से लेबर खरीदना स्टार्ट कर दिया, मतलब सीधा सीधा इंसान को खरीद लेना। तो ये जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे ये क्या करते थे, अफ्रीकन चीफटेन से क्या करते थे, खरीदते थे और प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। मतलब ये एक बिजनेस बन गया था, कैसे, बहुत सारे फ्रेंच मर्चेंट्स बॉर्डोक्स नांटेस से अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे, वहां पे ये चीफटेन से मिलते थे और चीफटेन इनको क्या करते थे, बहुत सारा लेबर दे देते थे। चीफटेन मतलब अमीर लोग। लॉजिक बहुत सिंपल सा था, मैं एक चीफटेन हूँ, मैंने मिस्टर एक्स को बहुत सारा पैसा दे के रखा है, अब मिस्टर एक्स मुझे वो पैसा लौटा नहीं जा रहे, तो मैं क्या करूंगी, एक यूरोपियन मर्चेंट को ये बंदा बेच दूंगी और वो जितना मेरा कर्जा होगा प्लस उसके बहुत सारा एक्स्ट्रा क्या कर लूंगी, रिकवर कर लूंगी। नहीं, उस टाइम केस वेस नहीं होता था, सीधे उसको क्या कर लूंगी, रिकवर कर लूंगी उससे। मतलब ही नहीं, उसने कर्जा लिया हुआ है तो वो तो चुपचाप बैठेगा, उसको तो कुछ बोलने का है ही नहीं। तो ये जितने भी स्लेव्स थे इनको पैक किया जाता शिप में, 3 महीने में ये अटलांटिक से कैरेबियन क्या करते थे, सेल करते थे। आई बात समझ में, इस चीज को कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, अब ये बहुत गलत था, इंसानों की खरीद बेच अपने आप में बहुत इमोरल एक्ट है। तो बहुत बार नेशनल असेंबली में क्या हुई, डिबेट हुई कि हम लोग ये स्लेव ट्रेड क्या करते हैं, बंद कर दें, बट नेशनल असेंबली ने ऐसा कोई रूल पास नहीं किया, क्योंकि नेशनल असेंबली में बहुत सारे लोग थे जो इसी से पैसा कमाए, मतलब असेंबली में ऐसे बिजनेसमैन बैठे हुए थे who were actually earning from slave trade, तो कोई लॉ पास नहीं हुआ। 1794 में जो रॉबेसपियर की गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन ने बोला जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको क्या कर दो, आजाद कर दो, जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको क्या कर दो, आजाद कर दो। हालांकि 10 साल बाद नेपोलियन पावर में आया, उसने फिर से सेल्फ स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस कर दी। फाइनली 1848 में फ्रांस में क्या हुआ था, स्लेवरी अबॉलिश हुई थी या फिर खत्म हुई थी। इज दैट क्लियर? खत्म हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है ना, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिला, तो हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको क्या मिले, आइडियाज मिले। किस चीज के आइडियाज के, फ्रीडम के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, हमारे राइट्स क्या क्या होने चाहिए और गवर्नमेंट को हमें वो राइट्स किस तरीके से देने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट राइट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो ले लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, बोला नहीं आपको सेंसरशिप हटानी चाहिए। सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी प्रिंट करना है, कोई भी मूवी दिखानी है, कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट करनी है, तो पहले आपको उस देश के लीडर से पूछना पड़ेगा, बिना उसकी परमिशन के आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी मास मीडिया में मतलब पब्लिक में कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लोट नहीं कर सकते। तो सेंसरशिप बैन करी गई, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पीच और फ्रीडम आपका एक नेचुरल राइट है और इस नेचुरल राइट को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? 1794 तो जो कंट्री थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, अनस्टेबल हो गई थी, क्योंकि देखो सबसे पहले राजा का रूल था, दैट वाज यूजलेस, लोग उसमें खुश नहीं थे, फिर नेशनल असेंबली आई, अगेन दैट वाज आल्सो यूजलेस, लोग उसमें खुश नहीं थे, फिर आई किसकी गवर्नमेंट। अच्छा, नेशनल असेंबली के साथ प्रॉब्लम क्या थी, नेशनल असेंबली सिर्फ किसके लिए काम करती थी, रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती थी, इसलिए लोग उससे भी खुश नहीं थे। ठीक है, फिर कन्वेंशन आया तो उससे भी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत इक्वालिटी भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल, आपको फ्रीडम ही नहीं रहे किसी चीज की। ठीक है ना, हाँ, फाइनली इसके बाद पता चला कि यार रोबेसपियर की गवर्नमेंट को देख के ये समझ में आया कि यार आप एक बंदे के हाथ में पावर नहीं दे सकते, इसलिए फ्रांस में फिर क्या बना, डायरेक्टली रूल ऑफ फ्रांस बनी। इसमें 5 डायरेक्टरीज थी, लेकिन ये 5 डायरेक्टर्स आपस में क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे, इसलिए ये गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो गई। और इसलिए इसके बाद, क्योंकि फ्रांस में बहुत पॉलिटिकल क्या थी, इनस्टेबिलिटी थी, इसलिए नेपोलियन आया एज अ डिक्टेटर, इसने फ्रांस को क्या किया, रूल किया। और इनिशियल ईयर्स नेपोलियन का रूल बहुत अच्छा था, इसने फ्रांस को बहुत वॉर्स जितवाई, इसने फ्रांस के अंदर राइट, नेपोलियन ने फ्रांस के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर दिया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकाल लिया, खुश था पहले। लेकिन 2 प्रॉब्लम थी नेपोलियन के रूप में, एक, पहला फोर्स रिक्रूटमेंट टू आर्मीज,
क्योंकि नेपोलियन को आसपास के सारे देश क्या करने थे, फ्रांस के अंदर करने थे, तो वो लोगों को पता था जिसके पास ये काम नहीं है वो सब कहाँ चले जाएंगे, आर्मी में। तो बोलते थे हमको नहीं जाना है आर्मी में, पर तो भी उनको फोर्सफुली आर्मी में जाना पड़ रहा था एक बार। और दूसरा सेंसरशिप, आप नेपोलियन से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो जो चीजें थी इससे क्या हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे। और दैट्स व्हाई ऐसा कंसिडर किया जाता है कि नेपोलियन के रूल में भी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, हालांकि उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इज दैट क्लियर? विद दिस चैप्टर इज ओवर।